दोस्तों आज जो कमीशन पड़े उसका नाम है द बोर्ड जंगो। इस कमीशन पे रिक्वेस्ट की गई थी इसलिए मैं इसको पढ़ रहा हूँ। किसी ने कमेंट्स में लिखा था कि मैं दाबू की कोई कॉमिक्स पढूं, तो इसलिए पढ़ रहा हूँ मैं इसको। दाबू और जांगो। एक सुबह अंकल विनायक अखबार पढ़ने में व्यस्त है। दाबू बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि अंकल अखबार छोड़े तो कुछ बातचीत की जाए। क्या कोई खास खबर है? लिखा कि हिंद महासागर में एक जांगो टापू है जो बारिश से बतर से बिल्कुल कटा हुआ है। वहां पर आज तक कोई नहीं पहुंचा। हमारी छुट्टियां मनाने का इंतजाम हो गया। क्यों न हम जांगो द्वीप चले, यह एक अच्छा अनुभव होगा। जैसा अखबार में विवरण दिया गया है उसके अनुसार जांगो द्वीप पर यहाँ होना चाहिए। कुछ कुछ मेरी समझ में आ रहा है, लेकिन ऐसे वीरान टापू पर अक्सर जोखिम और खतरे होते हैं। वहां के आदिवासी बाहरी लोगों को घुसने नहीं देते और कई लोग तो आदमी का मांस भी खाते हैं। इन बातों से मुझे डराइए मत। हम एक ऐसी जगह पर रखेंगे जहां पहले कोई नहीं पहुंचा। और फिर यह जानकर कि आज जांगो के आदिवासी आदमखोर है, मेरी उत्सुकता और बढ़ गई है। लेकिन ताबू अभी तक हमें पता भी नहीं कि वह द्वीप आ गए कहाँ। यह पता करना मुश्किल काम नहीं। कैसे, हिंद महासागर बहुत बड़ा है, वहां उस द्वीप को खोजना आसान नहीं। मुश्किल को आसान करने में ही रोमांच है। अंकल आइए मेरे साथ, यह समस्या मैं हल किए देता हूँ। तो फिर आओ चलो, हम पहले त्रिवेंद्रम पहुंचेंगे, वहां से फिर हमारी जांगो द्वीप की यात्रा शुरू होगी। यह योजना ठीक रहेगी। विनायक और दाबू को लिए हवाई जहाज दिल्ली से त्रिवेंद्रम की उड़ान भरता है। केरल की राजधानी पहुंचकर वे आगे का रास्ता टैक्सी से तय करते हैं। समुद्र का किनारा आगे है, वह यह विशाल हिंद महासागर है। हमारी आगे की यात्रा नाव से होगी। मौसम साफ है, नाव छोटी है, पर हवा का रुख अनुकूल होने से हम अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंच जाएंगे। हो, मैं दो यात्रियों को एक नाव में आते देख सकता हूँ। लूटमार करने वाला समुद्री डाकुओं का जहाज जिसका कप्तान सांगचाई है, छोटी नाव की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। यह नाव कीमती व्यापारिक माल लेकर नहीं जा रही। फिर तो सरदार, उस तरफ जाने से कोई लाभ नहीं। देखो, उस नाव ने हमें देख लिया है। समुद्री सुरक्षा सेना को अगर हमारी खबर होगी तो हम सब जेल में भर दिए जाएंगे, इसलिए वह नाव बचकर नहीं जानी चाहिए। तोप को तैयार करो और मेरे आज्ञा का इंतजार करो। ठीक है बॉस। अंकल देखो, वह जहाज हमारी तरफ आ रहा है। पाल पर बने निशान से पता चलता है कि वह ये समुद्री डाकू है। हम खतरे में, जर नाव को खेना तेज करो, हमें निकल भागना है। दाबू तुम ठीक है तो मैं पूरी शक्ति लगाता हूँ। वे भागना चाहते तो पा गोला फेंको। ठीक है। उस तोपा गोला गिरने से पूरी नाव डगमगा जाती है। दाएं, हम डाकुओं की मार के घेरे में। अगर वे डाकू पानी की बजाय जमीन पर होते तो मैंने उन्हें इस पिस्तौल से सबक सिखा दिया होता, लेकिन अब हमें कोई दूसरा तरीका अपनाना होगा। उनके पास बहुत बड़ा जहाज है और खतरनाक तोप है। धाएं, डाकुओं के लगातार गोले फेंकने से नाव में छेद हो जाते हैं। हमें जल्दी नाव को छोड़ देना होगा। अंदर पानी भरना शुरू हो गया है। मैंने हवा भरी रबड़ की ट्यूब पानी में उतार दिया है, यह हमें डूबने से बचाएगी। आओ, अब देर अच्छी नहीं। धड़ाक, एक गोला गिरता है और नाव के टुकड़े हो जाते हैं। हो, नाव की धजिया उड़ गई। देखो, वे दोनों जिंदा या मर गए। ओह, वह चश्मे वाला लड़का जिंदा है। बॉस, उन्हें मरना समझो। विशाल समुद्र में या तो वे भूख से मर जाएंगे या फिर उन्हें व्हेल मछली निकल जाएगी। तुम ठीक कहते हो, समुद्री डाकुओं का जहाज जा रहा है। विनायक और दाबू काफी देर तक रबड़ की ट्यूबों में तैरते रहते हैं। मेरा अनुमान है कि पानी का बहाव हमें पश्चिम की तरफ ले जा रहा है। डाकू गए पर बेखबर है कि एक दूसरा खतरा उनके पीछे लगा है, मगरमच्छ। आखिर हम कब तक ऐसे बहते रहेंगे? पता नहीं दाबू, तुम्हें भूख भी लगी होगी, लेकिन यहाँ नमकीन पानी के सिवा और कुछ नहीं। तभी ओह, यह विशालकाय मछली व्हेल थी। यह वह हमारे पीछे लगे, वह दोबारा पानी की सतह पर आएगी। मेरी जेब में छुरा है, शायद वह काम आ जाए। अंकल विनायक छुरा निकालकर व्हेल के आने का इंतजार करते हैं। वहां पानी के अंदर हलचल हो रही है। हाँ, साफ पानी में मैं उसे आते देख सकता हूँ। उसे पानी से बाहर आते ही मुझे हमला करना चाहिए। जैसे व्हेल ने अपना सिर पानी से बाहर निकाला, अंकल विनायक को छलांग मारता है और बड़ी मछली के सिर पर जा गिरता है और वह छुरे से व्हेल की बड़ी आंखों पर कई वार करता है। समुद्री जीव पीड़ा से करा उठता है। क्या बकवास है, नहीं ऐसा कभी हो ही ना सकता। एक चाकू से कोई व्हेल को मार दे, लेकिन कौम से सब चलता है।
मैंने उसे अंधा कर दिया, मुझे वापस जाना चाहिए। जल्दी आइए कहीं मैं बड़ी मछली आपको नुकसान न पहुंचा दे। उसकी दुनिया में अंधकार है, उसे पता नहीं मैं किस दिशा में हूं। वेल गुस्से में पागल होकर पानी उछाल रही है, वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। 2 घंटे तक और वे तैरते रहते हैं। अंकल मेरी भूख बढ़ती जा रही है, तुम्हारी तरह मुझे भी भूख सता रही है, लेकिन मजबूरी है, यहाँ कोई होटल या ढाबा नहीं है। तुमने अज्ञात टापू जांगो को खोजने की जिद की थी, हमारे पास कुतुब नुमा भी नहीं जो हमें दिशा का बोध करा सके। हम किधर जा रहे हैं कोई पता नहीं, भूख से मरने के सिवा कोई और चारा नहीं। दोनों चारों तरफ से नए खत्म होने वाले समुद्र से गिरे और जीने की सारी उम्मीदों को छोड़े पानी की लहरों पर घूमते रहते हैं। तब अचानक अंकल सामने देखो। जब अंकल विनायक उधर देखता है तो उसे जमीन दिखाई देती है। हाँ वह टापू शायद जंगो ही जिसकी तलाश में हम निकले थे। दाबू मुझे अपना हाथ दो, हम तैर कर किनारे पर जाएंगे, कसकर पकड़े रखो। दाबू का लिए अंकल विनायक किनारे की तरफ तैरता है। भूखे और थके हुए दोनों जंगो डीप पहुंचते हैं। आखिर हम अपनी मंजिल पर पहुंच ही गए। सबसे पहले हमें कुछ खाने को ढूंढना है, पता नहीं यहाँ कुछ पैदा होता भी है या नहीं। अंकल देखो कितने सारे नारियल, हाँ उधर केले, वाह सेब और नारंगी भी, सारे फ्रूट मिल गए। इस टापू पर इतने फल हैं कि लाखों लोग साल भर खा सकते हैं। मेरा पेट भर गया है, अब रात हो गई, हमें सोना है। रात को जंगली जानवरों से बचाव के लिए वे सूखी घास का घेरा बनाते हैं। 2 पत्थरों को टकरा कर आग पैदा करना मुझे आता है। घास फूसी आग हमारी रक्षा करेगी। दूसरी सुबह आग अभी तक सुलग रही है, रात को कोई जंगली जानवर नहीं आया। दबू आओ देखे कि इस टापू पर और क्या रहस्य छिपे हैं। दोनों एक जंगल से दूसरे जंगल में काफी देर तक चलते रहते हैं। इस द्वीप पर हरियाली बहुत है क्योंकि अभी यहाँ शहर नहीं बसे। तब एक पहाड़ देखते हैं जहां एक अजीब गरीब मूर्ति बनी है। यह मूर्ति किसकी है? हो सकता है कि यहाँ रहने वाले आदिवासियों ने इसे तराशा हो। मेरा मन उस मूर्ति के करीब जाने को करता है। ठीक है ऊपर चढ़कर उसे पास से देखते हैं। दरअसल मूर्ति का खुला मुख किसी गुफा का द्वार है, इसके अंदर जाना चाहिए। दोनों गुफा के अंदर जाते हैं। काफी अंधेरा है यहाँ, लेकिन इतनी हवा है कि हम सांस ले सके। मुझे आगे मसाल दिखाई दे रही है जिसकी वजह से गुफा में रोशनी है। यह मसाल किसने जलाई होगी? इसका मतलब है कि कोई यहाँ रहता है। कौन? पता नहीं, हमें आगे चलना चाहिए, रास्ता चौड़ा हो गया, हम आराम से चल सकते हैं। चलते हुए अंकल विनायक का पांव किसी चीज से टकराता है। टन है या फूलदान खाली सोने का? अंकल इधर देखो, इतना बड़ा खजाना, सोने के सिक्के और जेवरात, यह सारा खजाना क्यों ना हम अपने देश ले जाएं? सबसे पहले मैं यह सोचना कि हम लौटें कैसे। हमारे पास न नाव है न ही रबड़ की ट्यूब है। अगर हमें पानी का कोई वाहन नहीं मिला तो हम बाकी की उम्र इस वीरान टापू पर बिताएंगे। अरे हाँ, यह तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं, इसलिए हमें गुफा के बाहर जाकर सूखी लकड़ी से पानी पर तैरने वाला वाहन बनाना है, या जंगल से हमें लकड़ी के लठ बेस वाहन मिल जाएंगे। वे गुफा के द्वार पर जाते हैं, पर बेखबर है कि उन्हें कोई देख रहा है। हमें पानी पर तैरने वाला वाहन समुन्द्र के किनारे बनाना होगा ताकि उसे पानी में धकेलना आसान रहे। इन सूखे लट्ठों को इकट्ठा करो और फिर इन्हें मूंज की रस्सी से बांध दो। वह लट्ठों का बेड़ा पानी पर खूब तैरता है। ठीक है, अब हम गुफा में चलते हैं और वे सारे सोने के सिक्के और जेवरात लाते हैं। दबू पहाड़ पर चढ़ने से कहीं तुम थक तो नहीं गए? बिल्कुल नहीं, हम एक एक बॉक्स उठाकर चलते हैं। उन्हें लटके बेड़े पर लादने के बाद दूसरे बक्सों के लिए वापस आएंगे। ठीक आओ चले। जेवरात और सिक्कों से भरे बक्स लिए वे गुफा के द्वार पर पहुंचते हैं। दो हाथ पीछे से अंकल विनायक की तरफ बढ़ते हैं। ओह कौन है? मैं तुम्हें मारकर खाऊंगा जनाबी, ये आदमखोर है। अंकल विनायक एक दाएं हाथ रसीद करता है। आओ घुसपैठिए, तुम इस गुफा से बाहर नहीं जा सकते, मैं तुम्हें अपनी गदा से ढेर कर दूंगा, वे बहुत सारे हैं। जब आदमखोर खोपड़ी तोड़ने के लिए अपनी गदा उठाता है तो अंकल विनायक का हाथ पिस्तौल के लिए जेब में जाता है। आह दाएं, आओ उसे पकड़ लो। दाबू उठाकर एक बड़ा पत्थर मारता। तड़ाक छोकरे, मैं चाकू से तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा।
जब अच्छा कुछ वार करना चाहता तभी अंकल विनायक की गोली चलती है धोए, तभी पीछे से दूसरा आता और विनायक को दर्द दबाता है, लेकिन विनायक अपने पटकड़ी दाव से उसे गिराता है। आओ आह मैं मरा, लेकिन दर्जनों के आगे दो की नहीं चलती, आदमखोर दाबू का पकड़ने में कामयाब होते हैं। उसके बाद ये विनायक पर भी काबू पा लेते हैं, मजबूती से पकड़ो इन्हें मुखिया के पास ले चलो। वे आदमखोर के मुखिया के सामने पेश किए जाते हैं। वाह कई दिनों से मैंने आदमी का मांस नहीं चखा, इन्हें कल बलि चढ़ाएंगे। दोनों को बांध कर डाल दिया जाता है। तुम्हारी पिस्तौल कहाँ है? उसे आदमखोरों ने छीन लिया, मगर अगर वह मिल जाए तो आजाद होने की उम्मीद बन जाती है। बंधन तोड़ने की एक तरकीब मुझे सूझ रही है, मैं आग से हाथ की रस्सी को जला सकता हूं। हाँ हाथ बांधने वाली रस्सी जलकर टूट रही है, हम मुक्त हो जाएंगे। आज रात हमें कुछ करना है, कल बहुत देर हो जाएगी। रस्सियां खोलकर वे दोनों गुफा के अंदर चलते जाते हैं। मुझे अपनी पिस्तौल हासिल करनी है। देखो पिस्तौल सोए हुए मुखिया की बगल में पड़ी है, लेकिन एक आदमी पहरे पर भी है। तभी उनके पैर से एक पत्थर लुढ़कता हुआ गिरता और पहरेदार पर जो पहरे पर तैनात आदमखोर को सचेत करता है। कड़ कड़ उठो अजनबी, छूट गए। लेकिन विनायक चुकता नहीं, वह विरोधी पर कूदता है। बचाओ मुखिया इलोनी, तुम मेरे बंदी हो, अपने हाथ ऊपर करो। अपने आदमियों से कहो कि वे अपने भाले नीचे फेंक दें। कैसा अजनबी कहता है वैसा करो। इनसे कहो कि सोने के सिक्के और जेवरात के बक्से हमारे बेड़े पर ला दें। सुबह होते मुखिया की जान खतरे में पाकर सारे लो आदमखोर सोने के बक्सों को लेकर समुन्द्र की तरफ चल देते हैं। इसे जल्दी रखो, हमारे मुखिया का हुक्म है। पता नहीं तुम यह सब क्यों ले जाना चाहते हो। यह पीला धातु हमारे किसी काम का नहीं, इससे तो एक बकरे का मांस हमारे लिए ज्यादा उपयोगी है। अब यह मारने वाला हथियार दूर करो। जब तक हम बेड़े पर नहीं पहुंच जाते तुम और तुम्हारे आदमी हिलेंगे नहीं, वरना मुझे फायर करने पड़ेंगे। दाबू लकड़ी के बेड़े पर जाओ, अंकल मैं पहुंच गया, तुम आओ। इस तरह दोनों सोने से बक्सों समेत जांगो द्वीप से चल देते हैं। अब आदमखोर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। विशाल समुद्र में दूसरे बहुत खतरे हैं दाबू। वे आराम से बैठ जाते और जांगो द्वीप से अपने साथ लाए हुए फूलों का भोजन करते हैं। हमारा बेटा बहुत धीरे चल रहा है, इस हिसाब से मैं अपने देश भारत पहुंचने में काफी समय लग जाएगा। फिक्र की बात नहीं, हमारे पास कई दिनों तक खाने के लिए खुराक है। तभी समुद्र के क्षितिज पर डाकुओं का जहाज प्रकट होता है। सरदार सांगचा एक लकड़ी का बेड़ा आता दिखाई दे रहा है। वह आदमी और छोकरा अभी तक जिंदा है, रानी की बात है, इस बार वे खाली हाथ नहीं है। बॉस उनके बेड़े पर सोने से भरे बक्से लदे हैं। अगर यह सोना हमें मिल जाए तो हम करोड़पति बन जाएंगे। दाबू भी दुश्मन का जहाज देखता है। अंकल समुद्री डाकुओं का जहाज जिसने हमारी नाव को डुबोया था, हमें अपने बेटे को खेकर साथ जहाज से दूर ले जाना चाहिए। तोप को हमले के लिए तैयार करो, मैं ऐसी यह सोना पा करूंगा। पहले हम उन दोनों को मार डालेंगे, फिर सारा सोना अपने आप हमारा हो जाएगा। एक चीज जो आगे बढ़ रही थी उससे सबन बिखते हुए था तेज से आता हुआ तूफान। वो आसमान अंधकार में होता जा रहा है। दाबू यह तूफान हम सबको डुबा देगा। इससे पहले कि तूफान हमारे बेटे को खिलौने की तरह तोड़ दे, हमें इसे छोड़कर पानी में कूद जाना चाहिए। मेरी खराब किस्मत तूफान, सोना मेरे हाथ से निकला जा रहा है। सरदार हम सब डूब जाएंगे। जान बचाने के लिए मैं जहाज को छोड़कर किनारे की तरफ तैरना चाहिए। अगर इस जहाज पर मेरा हुक्म चलता है, अगर कोई जहाज से उतरा तो मैं उसे गोली मार दूंगा। हमारा बेड़ा लहरों की लपेट में आ गया है, कूदो और अपने आप को किस्मत के सहारे छोड़ दो। विनायक दाबू के लिए पानी में कूद जाता है। दूसरे क्षण बेड़ा उसी लहरों की गोद में चला जाता है। दाबू मेरे से हिम्मत से काम लो, किनारे की तरफ तैरते जाओ। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। लहरों का दबाव बढ़ता जा रहा है। वो तूफान ने हमारे जहाज को घेर लिया है। अब हमें से कोई जिंदा नहीं बचेगा। जब तूफान रुकता है तो समुद्री डाकू जहाज के साथ गर्क हो चुके होते हैं। लहरों के थपेड़े दाबू और अंकल विनायक को किनारे पर ढकेल देते हैं। दाबू कहाँ हो? अंकल मैं आऊँ, हम सुरक्षित है, सिर्फ सोना खो गया। चलो उस टैक्सी वाले से पूछते हैं कि क्या वह हमें एयरपोर्ट तक पहुंचा देगा। तो दोस्तों समाप्त हुई कॉमिक्स। मुझे तो ठीक ठाक ही लगी, लेकिन एक किसी ने रिक्वेस्ट की थी इसलिए मैंने पढ़ी थी बस। ये
और दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी कॉमेडी यहाँ पर लाता रहूँ।